वेलकम टू फिजिक्स बाय सचिन लांबा एकेडमी। दोस्तों आज देखिए मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के प्रोनाउन चैप्टर की तीसरी वीडियो लेकर आया हूं। अब इस वीडियो में मैं आपको 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रोनाउन के क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व कराऊंगा। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं। और देखिए मैंने पिछली वीडियो में भी आपको 15 क्वेश्चंस कराए थे, और जो उससे पहले वीडियो है यानी प्रोनाउन की फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको रूल्स समझाए थे। तो आपको तीनों वीडियो देख लेनी है और प्रोनाउन में कोई भी दिक्कत फिर आपको नहीं होगी। अब देखिए मैं आपको जो ये बता देता हूँ कि जो नेवी SSR AA और ये एयरफोर्स XY ग्रुप या NDA सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी इस चैनल पर कराई जाती है, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड एन्जॉयड वेरी मच। अब देखिए इस क्वेश्चन में चार पार्ट बने हुए हैं और इसमें हमें बताना है कि कौन से पार्ट में गलती है। अब देखिए हम यहाँ पर इसे देख लेते हैं कि लास्ट समर यहाँ पर कोई गलती नहीं है, ही वेंट में कोई गलती नहीं है, लेकिन टू हिज अंकल्स विलेज यहाँ पर भी कोई गलती नहीं है। अब आते हैं इस डी सेंटेंस पर। अब देखिए आपको कुछ सेंटेंस ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल क्लियर होंगे यानी उसमें गलती बिल्कुल नहीं होगी, तो जो एक क्वेश्चन ऐसा बचता है कि जिसमें आपको श्योर नहीं होते हैं तो आप समझ लीजिए उसमें गलती 99% हो सकती है, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखिए ये सेंटेंस है जिसमें हम श्योर नहीं है, क्योंकि देखिए एंड एन्जॉयड वेरी मच, अब एन्जॉय के बाद में मैंने आपको बताया था कि ये लिखा जाता है कि क्या एन्जॉय किया, तो इसने क्या किया कि लास्ट समर उसने अपने अंकल के विलेज पर खुद को एन्जॉय किया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही के साथ में हिमसेल्फ आ जाएगा यानी हिम सेल्फ। अब हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड एन्जॉयड हिमसेल्फ वेरी मच। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मे आई नो हु यू वांट टू सी प्लीज़। अब देखिए यहाँ पर बहुत आसान सी एरर आपको मिल गई होगी, मे आई में कोई दिक्कत नहीं है, नो हु, अब हु बताइए किसके लिए आता है, हु आता है कौन के लिए, और यहाँ पर जो ये सेंटेंस दिखाना चाह रहा है, जो कंप्लीट सेंटेंस दिखाना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किसे देखना चाहते हैं, तो किसे के लिए हु नहीं आता, हुम आता है, तो यहाँ पर देखिए WHOM, हुम का मतलब होता है किसे यानी किसको, तो यहाँ पर आ जाएगा मे आई नो हुम यू वांट टू सी प्लीज़। ठीक है, आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस साइंटिस्ट मस्ट फॉलो हिज हंचेस एंड हिज डाटा वेयर एवर इट मे लीड। अब यहाँ पर देखिए दिस साइंटिस्ट मस्ट फॉलो, इसमें कोई गलती नहीं है, हिज हंचेस एंड हिज डाटा, इसमें कोई गलती नहीं है, वेयर एवर इट मे लीड। अब इस डी पार्ट को देखिए, वेयर एवर इट मे लीड, इट जो है वो किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर ये पता नहीं चल रहा है, तो हम देखते हैं कि इसका सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के लिए ही लगा होगा, तो यहाँ का ऑब्जेक्ट है दी साइंटिस्ट, तो हमें साफ पता चल रहा है कि साइंटिस्ट के साथ में इट तो लगाएंगे नहीं, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, देखिए जब दी साइंटिस्ट है तो यहाँ पर देम लगा देंगे, यानी साइंटिस्ट को जानना चाहिए देम मतलब उनका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। हाँ, एक कमेंट पहले की वीडियो में आई थी कि कुछ उनका अलग टॉपिक था, तो मैंने वो पढ़ लिया है और उनको रिप्लाई भी कर दिया है कि हाँ हम वो करा देंगे। ठीक है, आगे वीडियो में उनको वो मिल जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और कुछ आपको पढ़ना है तो बता देना, हम वो भी करा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर एवर दे गो, जहाँ कहीं भी वे जाते हैं, इंडियंस इजीली अडेप्ट टू लोकल सरकमटांसिस नो एरर। अब देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट में कोई गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश जो सेकंड है उससे शुरू होता है कि इंडियंस इजीली अडेप्ट टू लोकल सरकमटांसिस। अब देखिए अडेप्ट कर लेते हैं, इंडियंस अडेप्ट कर लेते हैं टू, मतलब किसे अडेप्ट कर ले हैं, कर लेते हैं यानी अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हिमसेल्फ, यहाँ अडेप्ट टू के बीच में हिमसेल्फ, हिमसेल्फ यानी अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ देखिए एक एरर अभी हो जाती, यहाँ पर हिमसेल्फ नहीं आएगा, देखिए इंडियंस है यानी प्लूरल है, तो यहाँ पर देम सेल्फ्स आएगा, देम सेल्फ्स, ये गलती बहुत महंगी पड़ जाती हमको। ठीक है,
themselves यहाँ पर लिख देंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वेयर दे गो इंडियंस इजीली अडेप्ट देमसेल्व्स टू लोकल सर्कमस्टांसेस. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेशन ऑफ द बिल एंड वॉज रेडी टू स्टेक दियर पोलिटिकल एग्जिस्टेंस. द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंट ऑफ द बिल, इसमें यहाँ पर शायद आपको कोई गलती नहीं दिख रही होगी, लेकिन जो गलती है वो एंड वॉज रेडी टू स्टेक दियर पोलिटिकल एग्जिस्टेंस. ओके देखिए सेंटेंस हमने पढ़ लिया, दो बार हमने सेंटेंस पढ़ लिया. अब देखिए यहाँ पर हमें एक एरर दिखी दियर में. दियर किसके लिए यूज हुआ है, ये द रूलिंग पार्टी के लिए यूज हुआ है. अब द रूलिंग पार्टी जो है ये एक पार्टी है, तो इसके लिए इट्स आएगा ना कि दियर आएगा, क्योंकि सिंगुलर के लिए मैंने बताया था इट्स आता है और जो प्लूरल होता है वो देम आता है, तो यहाँ पर इट्स आ जाएगा. तो ये सही क्वेश्चन जो हमारा सही सेंटेंस बनेगा वो बनेगा द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेशन ऑफ द बिल एंड वॉज रेडी टू स्टेक दियर पोलिटिकल एग्जिस्टेंस. ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टीचर वॉज बिजी एंड आस्क्ड थ्री ऑफ वी टू डिवाइड द वर्क एंड डू इट. तो इस क्वेश्चन में सोचिए क्या गलती हो सकती है. हाँ देखिए मुझे एक गलती मिल गई. देखिए यहाँ पर ऑफ वी आस्क्ड है यानी वर्ब तो आ गई, लेकिन उसके बाद इन्होंने सब्जेक्ट लगा दिया, तो यानी वर्ब के बाद में सब्जेक्ट कोई आता है, वर्ब के बाद में तो ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर वी का क्या बना देंगे, अस बना देंगे. तो हमारा राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, द टीचर वॉज बिजी एंड आस्क्ड थ्री ऑफ अस टू डिवाइड द वर्क एंड डू इट. ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. ही वॉज फैसिनेटेड बाई इंसेक्ट्स एंड द मोर ही स्टडीज दियर हैबिट्स ग्रेटर वॉज हिज फेस्टिवेशन. फैसिनेशन, फैसिनेशन होता है सम्मोहन यानी किसी के लिए लगाव होना. अब यहाँ पर कहा गया है कि उसका जो लगाव है वो जो कीड़े मकड़े होते हैं उनके प्रति बढ़ता जाता है, जितनी वो ज़्यादा स्टडी करता है उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है. तो यहाँ पर देखिए एंड द मोर ही स्टडीड ग्रेटर वॉज द फैसिनेशन. देखिए मोर लगा है यहाँ पर, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ देखिए ध्यान से देखना दी मोर लगाए यहाँ पे और यहाँ पे खाली ग्रेटर है, जबकि यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव डिग्री के साथ में दी है लेकिन यहाँ पर दी नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, दी लगाएंगे. तो हमारा राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही वॉज फैसिनेटेड बाय इंसेक्ट्स एंड द मोर ही स्टडीड दियर हैबिट्स द मोर ग्रेट द ग्रेटर वॉज हिज फैसिनेशन. दी ग्रेटर वॉज हिज फैसिनेशन. ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. ट्रॉय वॉज टेकन बाय ग्रीक्स दिस फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ ए स्टोरी विच हैज़ बिकम फेमस. अब देखिए ट्रॉय वॉज टेकन बाय ग्रीक्स, अब जो बाय ग्रीक्स जो यूज़ हुआ है वो ग्रीक में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए यूज़ हुआ है. अब आपने एक बात सुनी होगी जब अंग्रेज जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, द इंग्लिश, यानी इंग्लिश जो बोलने वाले लोग होते हैं वो हो गए अंग्रेज. तो जो ग्रीक में रहने वाले लोग होंगे वो कौन होंगे, अब जो ग्रीक में रहने वाले लोग हैं उनके लिए क्या लगा देंगे, द ग्रीक्स लगा देंगे, तो इससे ग्रीक में रहने वाले लोग हो जाएगा. ठीक है अब हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा द ट्रॉय वॉज टेकन बाय द ग्रीक्स दिस फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ ए स्टोरी विच हैज बिकम फेमस. ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. अब इस क्वेश्चन पर चलते हैं. ए पर्सन आई मेट इन द थिएटर वॉज द प्लेराइट हिमसेल्फ. अब देखिए अगर किसी पर्सन को मतलब एड्रेस किया जाता है, मतलब उस आदमी को जिससे मैं थिएटर में मिला था यानी उस आदमी को, तो यहाँ पर ए ना आके द आ जाता है, वो एक आदमी नहीं तो मतलब उस आदमी को किसी स्पेशल के लिए बोला जाता है, मतलब इंडिकेट करते हैं किसी को कि उस आदमी को जब मैंने थिएटर में देखा था वो खुद ही एक नाटककार था. ठीक है तो यहाँ पर ए पर्सन की जगह पे द आ जाएगा और हमारा सेंटेंस हो जाएगा द पर्सन आई मेट इन द थिएटर वॉज द प्लेराइट हिमसेल्फ. ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द चंद्रा इज ओनली डेंटिस्ट इन अवर विलेज. देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत सेंटेंस यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है. बी में देखिए यहाँ पर इज ओनली डेंटिस्ट, इसका मतलब क्या हो गया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, क्योंकि देखिए द चंद्रा इज ओनली डेंटिस्ट इन अवर विलेज, इसका उल्टा सीधा मतलब ये बन रहा है कि जो चंद्रा डॉक्टर चंद्रा है हमारे गांव में वो केवल डेंटिस्ट हैं, लेकिन यहाँ पर ये कहने तो ये चाहिए कि केवल डॉक्टर चंद्रा ही हमारे गांव में डेंटिस्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा इज द ओनली, यहाँ पर द लग जाएगा. ठीक है देखिए हमारा राइट जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा कि डॉक्टर चंद्रा इज द ओनली डेंटिस्ट, मतलब डॉक्टर चंद्रा ही
एक डेंटिस्ट हैं हमारे गांव में, ठीक है, इन आवर विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजोरिटी ऑफ द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स रिकमेंड्स दैट इफेक्टिव मेजर्स शुड बी टेकन अगेंस्ट सॉफ्टवेयर पायरेसी। देखिए बहुत ही सिंपल है, अब आप भी बता सकते हैं, देखिए कितना सिंपल है। अब यहाँ पर दी मेजोरिटी यूज़ हुआ है, दी मेजोरिटी का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे लोग हो गए, मतलब बहुमतों की संख्या, मेजोरिटी बहुमत को कहते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने गलती से रिकमेंड्स लगा दिए और हमने पकड़ लिया, हमारा आंसर सही हो गया और हमें एक नंबर मिल गया, कैसी बात। देखिए रिकमेंड्स की जगह पे यहाँ पे खाली रिकमेंड आएगा, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें प्लूरल आने पर एस या ई एस नहीं लगाते। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा द मेजोरिटी ऑफ द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, द मेजोरिटी ऑफ द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, एक सेकेंड डिस्टर्ब कर दिया, द मेजोरिटी ऑफ द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स रिकमेंड्स द इफेक्टिव मेजर्स शुड बी टेकन अगेंस्ट सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है। रिकमेंड्स हटा देना, एस हटा देना, खाली रिकमेंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ऑन माई रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड ए साइंटिस्ट। अब यहाँ पर देखिए ये ए सही है, बी सही है, सी सही है, क्योंकि ललित इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड, इसमें तो कोई गलती हो नहीं सकती। यहाँ पर गलती है, हु इज सिंगर एंड ए साइंटिस्ट। अब ये क्या हुआ भाई, ए साइंटिस्ट यहाँ पर लगा दिया, सिंगर खाली छोड़ दिया, जबकि जो राइट आंसर हमारा बनता है वो क्या बनता है, ए सिंगर एंड साइंटिस्ट। तो जो हमारा जो पूरा सेंटेंस बनेगा, ऑन माई रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड, अब यहाँ पर डी बन जाएगा, हु इज ए सिंगर एंड साइंटिस्ट, जो एक सिंगर और साइंटिस्ट है, ठीक है। इस तरह से हमारे देखिए ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब देखिए आपको अगर ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो ये देखिए यहाँ से ले लीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और ये ले लीजिए। अब आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू टू ऑल।